विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बढ़त और कांग्रेस की हुई बड़ी हार के बाद नगर निगम परिषद में भी उथल पुथल होने की अटकलों के साथ ही भाजपा पार्षद नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि जनादेश का आया फैसला और भाजपा को मिली बढ़त पर आश्वस्त अजय वर्मा ने कांग्रेस के महापौर धीरज बाकलीवाल पर निशाना साधते हुए दुर्ग महापौर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की मांग की है। देखिए वीडियो। नहीं, हमारा दुर्ग विधानसभा में जितना विधानसभा का क्षेत्र है उतना ही नगर निगम का क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में आप 48,000 वोटों से हारते हैं तो इसका मतलब है आप प्रत्येक वार्ड में हारते हैं, और नगर निगम में काम करने वाली आपकी नीतियों को दुर्ग शहर की जनता ने नकार दिया है। और सोने पे सुहागा तो तब होता है जब आपके सारे मंत्री भी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव हार जाए। किस लिहाज से आपको पद पे बने रहने का हक है? मैं चाहता हूँ कि नैतिकता का ध्यान रखते हुए हमारे महापौर जी को इस्तीफा देना चाहिए, उनके मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए, और एक लाइन बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से दुर्ग नगर निगम के महापौर को माननीय विधायक जी ने बंधक बना के रखा, अपने उन्हें अपना चाकर बना के रखा, इस बात का जवाब दुर्ग शहर की जनता ने दिया है। इसलिए इन्हें नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए ताकि दुर्ग शहर की जनता चैन की सांस ले सके। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कुर्सियों के लोभ में नहीं रहती। हमारे वर्तमान विधायक के भाई ये गति इसलिए हुआ है कि आप केवल और केवल लोग बुरा नहीं माने, ये भी सही, ये भी सही, आपने निर्णायक कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिए अगर मेरी पार्टी निर्देशित करती है तो उस ओर जाएंगे, और नहीं तो जनता ने जिन्हें चुना है वो चलाएं। पर एक काम करें, 4 साल आपने कुछ नहीं किया, यहाँ के आवारा पशुओं का कुछ नहीं किया, यहाँ के पेयजल का कुछ नहीं किया, यहाँ के सड़कों का कुछ नहीं किया, और इन्हीं बातों का खामियाजा आपने भुगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय धीरज बाकलीवाल जी तत्काल इस्तीफा दें। अविश्वास प्रस्ताव हम क्या, अब तो जनता उन्हें निपटाएगी, अभी इस बार निपटाइए आगामी नगर निगम के चुनाव में। हम तो केवल ये काम करते रहेंगे कि लोगों की पीड़ा को लेकर नगर निगम आते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि निगम की व्यवस्थाएँ बेहतर हो सके।